अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाउंडर। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या मेरी तरह आप क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना लाजमी है। जी हाँ, यहाँ पर रियलमी ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। रियलमी का न्यू मॉडल रियलमी 8, इसका 64 मेगापिक्सल कैमरा है और हीलियो G95 यहाँ पर आपको इसमें चिपसेट मिल रही है, गेमिंग चिपसेट है। यहाँ पर इस फोन की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 35 से 40 हज़ार के दरमियान इस फोन के प्राइस रहने वाले हैं। आज से ही इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और 4 डेट तक इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट रहेगी और नेक्स्ट डे यानी 5 डेट को ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन दराज रोड पिकअप पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें देखेंगे मजीद क्या क्या फीचर्स हैं, इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, इसमें गेम्स खेलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो व्यूअर, यहाँ पे आपके टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं जिसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा रियलमी 8 का बॉक्स। रियलमी 8 यहाँ पर जी हम कटर की मदद से कर लेते हैं इसको जी कट यहाँ पर जी, और इसकी पैकिंग को हम कर लेते हैं। तो हमने कर लिया जी पैकिंग को रिमूव। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी 8 का बॉक्स। यहाँ पर हमें रियलमी 8 इसकी बैक साइड में हमें इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रियलमी 8 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर आपको 6.4 इंच सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें सुपर स्लिम एंड लाइट यानी कि सुपर और स्लिम एंड लाइट वेट ये फ़ोन है। यहाँ पर आपको हीलियो G95 प्रोसेसर मिल रहा है, गेमिंग प्रोसेसर है, गेमिंग लवर के लिए तो बेस्ट है ये। यहाँ पर आ गए आपको यहाँ पर 30 वाट का डॉट चार्जिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जिसकी 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल रही है। 8GB रैम, 128GB वाला वेरियंट है। इसका जो कलर है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, साइबर ब्लैक है। इसमें एक और कलर आ रहा है साइबर सिल्वर। यहाँ पर जी हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं, बॉक्स ओपन कर लेते हैं जी। बॉक्स ओपन करने पे जी, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी येलो कलर का बॉक्स मिलता है। इसको एक साइड रखते हैं, यहाँ पर सामने ही मिलता है हमें फ़ोन एक पेंगी के अंदर। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी लाइट है। यहाँ पर जी पैकिंग से बाहर निकालते हैं तो देख लेते हैं जी, वाओ ऑसम। जी हाँ, काफ़ी लाइट और काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन हमें देखने को मिल रहा है। 4 कैमरे, LED लाइट। फ़ोन के पास आएंगे, डिटेल फीचर्स की हम बात करेंगे, पहले देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। फ़ोन को एक साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर आप रियलमी 8 को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक कर दराज पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके घर में ये डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट का कोई पता नहीं है कब बंद हो जाए, आपको ये फ़ोन चाहिए हो और मार्केट बंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप एक बार क्लिक करके चेक भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जी स्वाइप बॉक्स रखते हैं साइड पर, हमें यहाँ पर जी एक चार्जर देखने को मिल रहा है डॉट रियलमी। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये 30 वाट का चार्जर है, ये तो जी 5000 mAh की बैटरी है। यहाँ पर आपको 30 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, 5 वोल्ट 6 एम्पीयर का ये चार्जर है। एक साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर जी हमें एक डाटा केबल देखने को मिल रही है, सी टाइप डाटा केबल है, अंदर से येलो पोर्ट है और यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से वाइट है, येलो है, काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। चलें जी, बॉक्स में हमें यही मिलता है, येलो बॉक्स है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जी इसको अक्सर व्यूअर कहते हैं सिम इजेक्टर टूल नहीं मिला, तो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें जी कुछ यूज़र गाइड मैनुअल मिलती है और एक यहाँ पर हमें इसका एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जी हमें कवर भी साथ में देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा हो गया है, सिलिकॉन कवर साथ में है, काफ़ी प्रीमियम किस्म का ये कवर है। तो बॉक्स हमें बिल्कुल मजीद खाली मिलता है, एक्सेसरी यही थी। अब आते हैं जी हम यहाँ पर अपने फ़ोन की तरफ, इसके डिटेल फीचर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आ गए हैं जी हम अपने फ़ोन की तरफ, यहाँ पर हमें काफ़ी प्यारी लुक देखने को मिल रही है। यहाँ पर डियर टू लीप ये स्टिकर को हम यहाँ से कर लेते हैं जी रिमूव, ये उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेयर टू लीप की ब्रांडिंग हुई पड़ी है। यहाँ पर हमें रियलमी लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर आपको 4 कैमरे और 64 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, LED लाइट है। यहाँ पर हमें इसका जो डिज़ाइन है वो ग्लॉसी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शाइनिंग में है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी इस फ़ोन की चमक झमक है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस फ़ोन को हाथ में पकड़ के, और इतना स्लिम एंड स्मार्ट है, इसका वेट भी काफ़ी कम है। और यहाँ पर जी आपको इस वाली साइड पे बिल्कुल प्लेन बॉडी, यहाँ पे आपको सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर वाली साइड पे आपको एक डेडिकेटेड माइक देखने को मिल रहा है, और ये वाली साइड आपको बिल्कुल प्लेन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे पावर बटन
और यहाँ पे हमें एक स्पीकर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे हमें माइक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये फ़ोन इतना स्लिम एंड स्मार्ट है, अक्सर कंपनियाँ देखती है या स्लिम एंड स्मार्ट बनाती है उसमें 3.5 mm जैक ख़त्म कर देती है, भले यहाँ पर रियलमी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर 3.5 mm जैक ख़त्म नहीं किया, काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, यहाँ पर साथ ही दे दिया है और यहाँ पर बिल्कुल प्रीमियम सी लुक आ रही है, हमें बिल्कुल ग्लास की सी फील आ रही है और ये ग्लास नहीं है। यहाँ पर जी हम फ्रंट वाली साइड पे आते हैं, यहाँ पर हमें जी पंच होल एक कैमरा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें स्पीकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जी हम पावर बटन प्रेस करते हैं और अपने फ़ोन को कर लेते हैं ऑन। दोस्तों यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है रियलमी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले की फर्स्ट लुक। जी हाँ, यहाँ पर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 1000 nits पीक के साथ। यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज इसका 6.4 inch देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें जी डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 देखने को मिल रही है मल्टीप्लाई 2400 pixel। यहाँ पर आपको 411 इसकी PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फुल HD वीडियोस आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके डिस्प्ले के कलर देख सकते हैं, अगर आप मूवीज़ देखते हैं मेरी तरह, फिल्में देखते हैं लंबी लंबी, या आप वीडियोज़ बनाते हैं तो उसके लिए इसके डिस्प्ले कलर्स हमें वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले के अंदर हमें और भी इसके काफ़ी फीचर देखने को मिल रहे हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है, ये कोई आम वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सैमसंग वाला नहीं है, आज वर्क नहीं करता यार, सैमसंग तो बहुत स्लो होता है। यहाँ पर इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी फास्टली वर्क करता है, रखने की देर है तो यहाँ पर देखें जी क्लिक किया और ये वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें इसके अंदर डिस्प्ले ऑलवेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, यहाँ पर आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आई कम्फर्ट और यहाँ पर आपको इसके अंदर फाउंड स्टाइल का भी है। यहाँ पर हमें डिस्प्ले ऑलवेज का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्टन ही डिस्प्ले ऑलवेज का ऑप्शन दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी इसकी कैमरे की। बैक में हमें यहाँ पर 4 cameras देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेन कैमरा हमें यहाँ पर 64 megapixel का देखने को मिल रहा है 1.8 aperture के साथ। नेक्स्ट कैमरा आपको यहाँ पर 8 megapixel का देखने को मिल रहा है 2.3 aperture के साथ। अल्ट्रा वाइड यहाँ पर हमें जी एक कैमरा 2 megapixel का देखने को मिल रहा है 2.4 aperture मैक्रो, और साथ में ही हमें एक 2 megapixel का कैमरा देखने को मिलता है 2.4 aperture डेप्थ सेंसर। यहाँ पर आपको LED लाइट मिल रही है HDR पैनोरमा, और यहाँ पर हम कैमरे को कर लेते हैं जी ऑन। ऑन करने पे आपको फर्स्ट में ही मिलता है नाइट का, नाइट से मैंने कुछ सैंपल लिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, और आप यहां पर नाइट में ही आप 2x जूम 5x जूम तो कर सकते हैं। यहां पर आपको आगे इसमें वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, वीडियो के अंदर आप यहां पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। यहां पर आप वीडियो देख रहे हो, ये 4K वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है रियलमी 8 से, तो यहां पर आप इसके कलर देख सकते हैं बिल्कुल HD। आप यहां पर इसका रिजल्ट देख सकते हैं, यहां पर जितना मैं करीब कर रहा हूं इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं आप ब्लर होता जा रहा है, और ये देखें और ये लाइटिंग भी अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है, जहाँ ज़्यादा लाइट चाहिए वहाँ पर लाइट ब्राइट कर देता है और जहाँ डार्क चाहिए वहाँ पे क्लियर कर देता है। आप 1080 पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 60 fps 120 fps जैरो के साथ आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं 1080p पे है और 60 fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और इसकी आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कितनी स्मूथनेस है, और ये देखें और मोबाइल बिल्कुल भी शेकिंग नहीं कर रहा, हालांकि मैं भाग रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखें आप देखें, और सामने ही सूरज है और इसकी लाइटिंग का देखें आप, ये देखें वो सामने सूरज है और लाइटिंग अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है। ये देखें 1080p और 60 fps पे अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो आवाज़ है ये इसकी ही बिल्टन रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों ये आप वीडियो देख रहे हैं 60 fps पे है, पर ये 720 रेजोल्यूशन पर है, यहाँ का रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे फ़ोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, फ़ोटो में आप AI यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं इसमें। और आगे आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट का मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लर करने वाला, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है डायरेक्टली तौर पर। यहाँ पर आपको इसके अंदर मोर में टाइमलेस मिल रहा है, पैनोरामा मिल रहा है और आपको इसमें स्लो मोशन। और आपको एक्सपर्ट मैक्रो अल्ट्रा और आपको इसके अंदर ड्यूल व्यू वीडियो भी मिल रही है। आपको यहाँ पर तो दोस्तों ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हो इसके अंदर ड्यूल वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। तो ये ड्यूल वीडियो बन रही है और ये बैक साइड पे कैमरा आ रहा है और फ्रंट पे मेरा आ रहा है। एट अ टाइम आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन ही दिया गया है। और यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा का रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी यानी कि ब्राइट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है फ्रंट का। और यहाँ पर देखें दूसरे साइड पर सूरज ग्रूब हो रहा है और यहाँ पर जी मैं चल भी रहा हूँ और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, यहाँ पर ये इधर देख रही है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। मूवीज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और टेक्स्ट स्कैनर भी मिल रहा है। मूवीज़ में आप यहाँ पर अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे प्रो का ऑप्शन होता है सेम ये वही वाला उसी तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है 2.5 अपर्चर के साथ। यहाँ पर वाइड आपको इसमें मिल जाता है और फ्रंट से भी आप 1080p पे वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसके फ्रंट कैमरे से है, फ्रंट कैमरे का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सूरज मेरी दूसरी साइड पर है और सूरज की लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं बैक हो जाता हूँ और वो सूरज आ गया है तो इसने लाइट देखें कैसे एडजस्ट कर ली है और रोशनी का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि मैं काला हो गया हूँ या बैक काली हो गई है, इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर देखें अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। दोस्तों ये आप इसके फ्रंट कैमरे का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें इस फ़ोन के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। जी हाँ, एंड्रॉयड 11 यहाँ पर हमें रियलमी UI 2.0 देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इसके अंदर एप्लीकेशन जो बीच में आ गई हैं वो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि टिकटॉक इसके अंदर बिल्ट इन दी गई है वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक भी बिल्ट इन है, दराज भी ये बिल्ट इन है और यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जो इसके अंदर बिल्ट इन दी गई है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार के अंदर कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, वाईफाई, डाटा, रिंग, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट और यहाँ पर आपको आई कंफर्ट और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रहा है, डोंट डिस्टर्ब और यहाँ पर रियलमी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर चिपसेट है वो मीडिया टेक हीलियो G95 12 नैनोमीटर पे देखने को मिलता है, गेमिंग चिपसेट है। जी हाँ, आपको यहाँ पर CPU ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है, ये गेमिंग चिपसेट है, आप इसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं और ये फ़ोन बना ही गेम के लिए है। एक तो कैमरे के लिए बना है, अगर आप फोटोग्राफर हैं वो तो मैं आगे आपको बता चुका हूँ कैमरे का रिजल्ट कैसा है इसका। और यहाँ पर अगर आप इसमें गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये बेस्ट है। यहाँ पर देखिए हम गेम ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ गेम खेल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं गेम में इसके ग्राफिक्स डिस्प्ले के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप इसके अंदर PUBG भी खेल सकते हैं और गन स्ट्राइक भी खेल सकते हैं। गेमिंग फ़ोन है और गेमिंग के लिहाज से बेस्ट है। अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं गेम्स के लिए, कैमरे के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, स्लिम चाहिए आपको, स्मार्ट चाहिए, तो मैं तो कहूँगा ये बेस्ट है। देखिए आप यहाँ पर गेम खेल सकते हैं, मैं यहाँ पर गेम प्ले कर लेता हूँ और ग्राफिक्स देख सकते हैं आप इसकी गेम्स के, थोड़ी सी ये लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी गेम्स के ग्राफिक्स, तो ये देख सकते हैं आप इसके ग्राफिक्स, ये देखें जी लो जी ये मेरा सेकंड आ गया। और यहाँ पर आप इसके अंदर PUBG भी खेल सकते हैं, मैं PUBG भी यहाँ पे प्ले करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसके PUBG के ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, तो ये गेमिंग फ़ोन है और गेमिंग में भी काफ़ी मज़ा करा रहा है, ना इतना हैंग हो रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें। यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर हमें 8GB रैम देखने को मिल रही है और 128GB इसकी बिल्ट इन स्टोरेज है। और यहाँ पर हम क्वाड सॉलिड बाय निकाल लेते हैं, आप एट अ टाइम इसके अंदर 2 नैनो सिम डाल सकते हैं और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। जी हाँ, इसकी बिल्ट इन मेमोरी वैसे 128GB है, 128GB बहुत होती है, आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने की भी एक्स्ट्रा सूरत देखने को मिल रही है। इसके अंदर आपको लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक नीचे वाली साइड पर हमें देखने को मिल जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ,
GPS है, NFC नहीं है, FM रेडियो भी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर FM रेडियो भी दिया गया है, आप हैंड फ्री लगाएंगे तो FM रेडियो चला सकते हैं। आप इसके अंदर USB भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रोजोमिटी, कंपास आपको इसमें बिल्ट इन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की 5000 mAh बैटरी है। इस फ़ोन को देख कर ऐसा नहीं लगता कि इस फ़ोन की 5000 बैटरी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है 4000 होगी। ये स्लिम ही इतना बना दिया गया है, 5000 बैटरी वाला फ़ोन काफ़ी मोटा और काफ़ी हैवी हो जाता है, मगर इस फ़ोन की 5000 बैटरी है और स्लिम है, काफ़ी अच्छा काम किया है इस फ़ोन पे। आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है 30 वाट पे, जी हाँ 26 मिनट के अंदर आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा और 65 मिनट्स के अंदर आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा। हमारे चैनल पर इसका बैटरी टेस्ट भी आएगा, बैटरी चार्जिंग टेस्ट आएगा, कितने मिनट में ये कितना चार्जिंग करता है। तो व्यूअर इसके अंदर साइबर सिल्वर और साइबर ब्लैक कलर आ रहे हैं। तो व्यूअर ये थी आज की हमारी वीडियो, कैमरे का रिव्यू आएगा, इस फ़ोन का टोटल रिव्यू भी हमारे चैनल पर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।